नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई। एज वी हैव ऑलरेडी डन द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द सब्जेक्ट एंड आई कमिटेड टू यू दैट आई बी स्टार्टिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दिस सीरीज। सो आई बी टेकिंग अप द फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स। And we will stick ourselves to the two-sector model with savings and without saving, talking about the different basic concepts which will help us in the further macroeconomics. And we will make a separate video on three-sector model and four-sector model because this is the part of CBSE syllabus, and three-sector and four-sector model is being dealt for the higher classes. And then after that, we will take up the topic of national income. Okay, namaste students. So, आज जैसे कि last lesson में आप लोगों ने economics की introduction में economics की दो branches देखी थी, एक micro और macro. अब हम दो अलग-अलग series चलाएंगे, जिसके अंदर आपको regular updates मिलेंगे micro economics के बारे में भी और macro economics के बारे में भी. तो उसी सीरीज में हमारा पहला लेसन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट में लेक्चर वन, जिसमें सबसे बेसिक टॉपिक हमारे पास होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी, और उसी के साथ इसको आगे हम अपडेट करेंगे विद द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड देयर रिलेशनशिप्स. तो हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी. So, पहले इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैनेज करना रिसोर्सेज को अलग अलग लेवल पे, इंडिविजुअल पे करोगे तो माइक्रो और सबके साथ करोगे तो मैक्रो. तो अब उसी सिस्टम को कि आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हो, ऐसे सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को कुछ अलग तरीके से मैनेज करती है, चाइनीज इकोनॉमी अलग तरीके से, यूएस इकोनॉमी, स्पेन, दुनिया की हर इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे उसको मैनेज करती है अपने तरीके से. यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताती हूँ जिसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, एंड दैट इज डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स. अब ये अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना हर बार गवर्नमेंट के बेसिस पे या हर बार प्राइवेट इकोनॉमी के बेसिस पे पॉसिबल नहीं होता. जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हो तो आपको हमेशा गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. एंटरप्रेन्योर हमेशा इतना वेल ऑफ नहीं होता है कि वो सारी इकोनॉमी को, सारे सिस्टम को अपने बेसिस पे चला दे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है. तो उसी के बेसिस पे हमारे वर्ल्ड की कंट्रीज जो है तीन अलग अलग सिस्टम्स पे काम करती है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं, सोशलिस्टिक सिस्टम जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, यहाँ हम इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज जिसके अंदर हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं. तो ये सारे सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज अपने अपने लेवल पे रिसोर्सेज के बेसिस पे फेस करती है. तो ये एक इकोनॉमी की बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, और ये सिस्टम्स हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स कम टू द टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी. जब आपको इकोनॉमी का मतलब पता है तो अब ये बात करते हैं सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो, दिस इज सर्कल, इतना तो सबको पता है. अगर मैंने, मेरा तो सर्कल थोड़ा सा ऐसे ही बना है, अगर मैं सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनाऊं तो जिस बंदे ने मुझे सर्कल बनाते हुए नहीं देखा वो ये नहीं बता सकता कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था और एंडिंग पॉइंट कौन सा था, क्योंकि वो घूम के फिर वापस वहीं आ जाता. अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है तुमसा नहीं देखा, तो उसमें एक हीरो क्या बोलता है अपनी हीरोइन को कि मैं इस नोट पे नाम लिख के रखता हूँ तेरा और मेरा, और इसको ना सर्कुलेट कर देते, जिस दिन ये नोट घूम के वापस हमारे पास आएगा उस दिन हम दोनों एक साथ होंगे. ये कोई फेरी टेल तो थी नहीं, एक्चुअल में इसके पीछे था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी. जो चीज आपके पास है वो घूम फिर के वापस मेरे पास आएगी और मेरे से वापस घूम के आपके पास आएगी, ये है
वो हमसे जुड़ा हुआ है, शायद हम उनकी कार यूज करते हैं, नहीं तो ना सही हम उसका नमक यूज करते हैं, तो हमारी कंजम्पशन से वो हमारे से जुड़ा हुआ है। हम नहीं खा पाएंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। दिस इज अ सर्कुलर फ्लो। तो अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इन इकोनॉमी में सबसे पहले मैं दो तरह के फ्लोस के बारे में आपको बताऊंगी। वन इज दिस सर्कुलर फ्लो, वन इज रियल फ्लो एंड द अदर वन इज मनी फ्लो। अब ये क्या है? रियल, रियल का मतलब जैसे आप अपने पैसे लेके जाते हो कहीं पे भी, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे दो फ्लो हमेशा साथ में चलेंगे। मुझे मार्केट जाना है, मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मैंने क्या किया, पिज्जा का ऑर्डर दिया और ऑर्डर के इन रिलेटेड टू मैंने उसको पेमेंट करी और पेमेंट से मेरे तरफ पिज्जा आ गया। तो इसमें हुआ क्या, देयर आर टू फ्लोस, वन इज पिज्जा द अदर वन इज पेमेंट। जो मैं पेमेंट पिज्जा वाले को करूंगी दैट विल बी मनी फ्लो, और जो पिज्जा मुझे मिलेगा दैट विल बी रियल फ्लो। इफ देयर इज एनी मनी फ्लो देयर विल बी अ रियल फ्लो अगेंस्ट इट, इफ इट इज नॉट देयर तो कोई ट्रांजेक्शन होगी, और अगर होगी तो वो होगी यूनिटरी फ्लो पेमेंट। और हम कंट्री के अंदर जितनी चीजों को इंक्लूड करेंगे उसके दो फ्लो होने जरूरी है। आप स्कूल पढ़ते हो तो स्कूल में जो टीचर आपको सर्विस देती है वो हुई रियल फ्लो, आप फीस पे करते हो मनी फ्लो। आपके फादर अगर किसी बिजनेस में है तो जब वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के टाइम पे जब भी वो कोई चीज बना के मार्केट में लेके जाएंगे तो उनकी तरफ से रियल फ्लो होगा और उनको मिलेगा मनी फ्लो। दैट ओके। तो ये हुआ हमारे पास रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात। रियल मतलब कोई भी फिजिकल चीज, जिसे इट कैन बी फिजिकल, इट कैन नॉट बी फिजिकल, दैट मीन्स सर्विसेज आर इनटेंजिबल। एनीथिंग विच यू कैन टच इज टेंजिबल एंड विच यू कैन नॉट टच इज इनटेंजिबल, जिसे आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे वर्ड्स जो है यू कैन नॉट टच, बट यू कैन फील दीज वर्ड्स एंड आई एम एक्चुअली सर्विंग यू, तो मेरी तरफ से द फ्लो इज रियल फ्लो एंड इफ यू आर पेइंग फॉर इट दिस इज मनी फ्लो, एज सिंपल एज दैट। सो टू टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल एंड मनी फ्लो। यहाँ पे फ्लो के साथ चलता है एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूं एंड दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। जहां पे भी हम बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट की, फ्लो फ्लो का मतलब क्या है कि एक चीज मूवमेंट में है यहां से यहां तक, मतलब दो टाइम पीरियड में इसको कवर किया जाएगा। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो उसके दो पॉइंट्स होंगे, यहां से लेके यहां तक पानी बह रहा है, दैट मींस टैप से लेके कहां तक, बाल्टी के अंदर तक। या मैं ये बोलूं कि मैं इनकम अर्न कर रही हूं तो मतलब पूरे महीने फर्स्ट से लेके 30th। तो इस तरह से वो कौन सा फ्लो हुआ, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी चीज तुम्हारे पास पड़ी है। मैं ये नॉर्मली कहती हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे 3 मार्कर पड़े हुए, सो दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इतने आ जाएंगे मेरे पास नेक्स्ट मंथ तक 10 मार्कर्स होंगे, नाउ दैट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मैंने उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मेजर किया, मैंने अब से लेके नेक्स्ट मंथ तक हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में दो पॉइंट होंगे, दैट विल बी नोन एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज क्या डेट है, आज हमारे पास आज डेट हुई आई थिंक 15th को हमारे पास कितनी चीजें हैं, नाउ दैट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक। जितनी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है, जितना गोल्ड आपके पास पड़ा है, अगर मैं अभी पूछती हूँ, नाउ दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट आपकी इनकम कितनी है, वो
वो तो मेरी पूरे साल की इनकम बनी. नाउ दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. देयर इज अ डिफरेंस. ये दिमाग में रखना. कई बार जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे, नेशनल वेल्थ क्या है. पूरी कंट्री की वेल्थ वो तो बन चुकी, उसको तो आप ऐसे पता करोगे, अच्छा इतनी इंडस्ट्रीज है इतनी, किसी एक दिन में पता करोगे. सो दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, तो वो एक साल में सिर्फ काउंट की जाती है पूरे साल में. तो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. एट द सेम टाइम जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट चलती रहती है. दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ऐसे ही हम कई सारे स्टॉक्स और फ्लो की एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इन इकोनॉमी में, ये जब फ्लो के बेसिक्स हो गए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इन इकोनॉमी, जो आपको कम से कम तीन से चार टॉपिक में कवर, मतलब तीन से चार टॉपिक में हेल्प करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिमांड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज एग्रीगेट डिमांड, सॉरी. तो उसके अंदर भी आपको ये चीज पढ़नी है, और एट द सेम टाइम इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको पूरी इकोनॉमी की जब वर्किंग पढ़नी है, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा. ओके, तो सर्कुलर फ्लो में जहां हमें बेसिक के बारे में पता लगा, अब हम नेक्स्ट चलेंगे. पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, एक बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी जो शुरू हुई है अभी, तो उसमें मिनिमम दो सेक्टर्स होने जरूरी है. कौन से, वो मैं अभी बताती हूँ. और उसके बाद जितनी डायनेमिक इकोनॉमीज हैं, मतलब इस टाइम पे हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो डायनेमिक इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोर सेक्टर्स होंगे. अब ये कौन से सेक्टर्स हैं? सी, जब आप बिल्कुल बेसिक रह रहे हो, बार्टर इकोनॉमी भी चलती थी, बार्टर एक्सचेंज भी चलता था, मतलब चीजों का लेन देन होता था. तो उसमें क्या चीज होती थी कि कोई अगर खाने को रेडी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसको बना के देने में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम्हें अगर खाना है तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बना के दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो खाने वाला है उसको खाने का लालच है, और जो बनाने वाला है उसको उसके बीच में से ही कुछ कमाने का लालच होगा. सो सबसे पहले आएंगे हमारे पास दो सेक्टर्स. सबसे पहला सेक्टर जो होगा वो होगा हाउसहोल्ड सेक्टर. मतलब हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं, हम जो कुछ खाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए कोई ना कोई चीज बनाई जाती है. और एक चीज और याद रखना, मैं जितने सेक्टर्स बताऊंगी, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, ये टाइम टू टाइम अपना रोल जो है वो चेंज करते रहते हैं. कैसे, मैं अभी बताती हूँ. तो सबसे पहले कोई खाने को रेडी हुआ, तो उसके लिए वो चीज बनाई जाएगी, तो हाउसहोल्ड सेक्टर आया पहले नंबर पे. अब क्योंकि वो खाने को रेडी है, तो कोई ना कोई बना के देगा, तो जो बना के देगा वो बनेगा हमारा सेकंड सेक्टर. दिस इज प्रोडक्शन सेक्टर, या मैं इसको बोलूंगी एक बिजनेस सेक्टर या फर्म्स. तो इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर या बिजनेस सेक्टर. ये हुए दो बेसिक सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. इनके मतलब ये वो बेस है जिनके बिना और तीसरा और चौथा सेक्टर कोई नहीं आ सकता. ओके, जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप करती है, ग्रो करती है, तो इन दोनों के आपस में ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं. खुद सोच के देखो, हमारे पास कुछ आना शुरू हो जाता है. अब जैसे होगा क्या, ये कहता है मुझे कुछ खाना है, यहाँ पे समझ के देखना, फिर मैं इसको पूरा एक डायग्राम में भी बताऊंगी आपको. ये सेक्टर वाला कहता है मुझे कुछ खाना है, ठीक है, इकोनॉमी सारी एक साथ ही चल रही है. उसी में से कुछ लोग निकलते हैं जो कि रिस्क लेते हैं, तो चलिए ठीक है, मैं आपको ये चीजें बना के देने के लिए रेडी हूं, बट तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. दो सेक्टर्स के बीच में आपस में कैसे बात होती है, एक ही फैमिली के कुछ लोग हैं, उसमें से वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ खाना है. ओके, बीच में से मम्मा उठती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बना के दूंगी, बट उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी है. क्या खाना है? खाना तो हमने पिज्जा है. अच्छा ठीक है, मुझे उसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, पिज्जा बेस चाहिए होगा. हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बार बार पिज्जा पे आ रही हूँ, मेरा फेवरेट है. तो उसमें क्या है कि मुझे वो चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ये चीजें. तो चलो ठीक है, मम्मा ने बोला कि तुम जाके मुझे ये सारी चीजें ला के दे दो,
और मैं तुम्हें पिज्जा रेडी करके दे दूंगी। तो उसके लिए तुम्हें मेरे अंडर काम भी करना पड़ेगा, खाना तुम्हें है तो ऑब्वियसली काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। चलो ये डील हुई मम्मा और बच्चों के बीच में। एग्जैक्टली ऐसे पूरा का पूरा इकोनॉमी एक ही तरह से काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम वो अपना रोल शिफ्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों ने जब खाने का डिसाइड किया उसको हमने बोला हाउसहोल्ड सेक्टर। अब वो खाना चाहते हैं तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सेक्टर क्या करेगा, इस सेक्टर के लिए ये सेक्टर कुछ ना कुछ करेगा जिसके कारण इसके पास पैसे आएंगे। मतलब मैं कुछ खाना चाहती हूँ अगर आज, तो मुझे कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ता है। मीन टू से मैं टीचिंग की जॉब करती हूँ, तो जब मैं जॉब करती हूँ तो ऑब्वियसली मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया, मैंने रियल फ्लो दिया तो मुझे उसमें सैलरी मिल गई। अब जो मैं खाना चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हाउसहोल्ड सेक्टर किसी, इसके पास कुछ होगा तभी ये सेक्रीफाइस करेगा। तो ये है कौन, ये है ऑनर ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चीजें ये मांग रहा है ना इससे, उसके ऑनर यहां बैठे हुए हैं हाउसहोल्ड सेक्टर में, यहां से उठेंगे वही लोग। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है। प्रोडक्शन के लिए चार चीजें, चार फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिनके बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। चाय बनानी, एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल ले रही हूँ, फिर चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसी में ही आपको समझ लग जाएंगे। मुझे एक सिंपल सी चाय पीनी है, चाय कभी भी हवा में नहीं बनती है, तो मुझे किचन चाहिए होगी या कोई एक प्लेस चाहिए होगा जिसपे खड़े होके मैं चाय बना लू। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहली चीज जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो है लैंड। ओके, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऑर्डर दिया, चलो जी वो कहते हैं कि मैगी जो है वो 2 मिनट में बन जाती है, रखो मैगी, बनने दो 2 मिनट में, तुम कुछ मत करो, देखते रहो बन जाएगी मैगी। नहीं, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, वहां जाके मैगी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एफर्ट करेगा कोई काम करने के लिए वो बनेगा दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड दैट इज लेबर, जो काम करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आज मेरे पैर दुख रहे हैं, आज मेरा हाथ दुख रहा है, आज मैं ये नहीं कर सकती, तो एक काम करते तुम मेरे हिस्से में काम कर दो। तो जो तुम्हारे लिए काम करेगा, और फ्री में तो करेगा नहीं, तो जो तुम्हारे लिए काम करेगा वो लेबर बनेगा। चाहे अगर तुम खुद बनाते हो तो तुम लेबर भी हो, और एक चौथा फैक्टर भी हो, मैं आगे बताती हूँ। चाय बनानी है, मेरे को जगह मिल गई, मैं रेडी हूं, मैं ही बनाऊंगी, पीऊंगी भी मैं, सबको भी लाऊंगी मैं। ओके, अब आगे, क्या बिना बर्तन के चाय बन सकती है? वो जो बर्तन है वो बार बार चाय बनाने में मेरे काम आ रहा है। गैस है वो बार बार चाय बनाने में मेरे काम आ रहा है। पानी, चाय पत्ती या चीनी या दूध जो चाय बनाने में लगा, वो एक कप चाय के लिए सफिशियंट था, वो खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा, तो वो हुआ बेसिक रॉ मटेरियल। बट अगर मैं कोई भी चीज बनाती हूँ और कुछ चीजें बार बार मेरी हेल्प करती हैं, वो चीजें होती हैं कैपिटल। पहले उनकी प्रोडक्शन हुई, फिर बार बार उनको यूज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में, एनीथिंग दैट हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल। इसके छोटी छोटी जो डेफिनेशंस मैं बोल रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो कैपिटल, एनीथिंग दैट मेक्स अ वर्क इजी, ये भी इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे मुझे अगर कील ठोकना है दीवार के अंदर, तो मुझे एक वो हथौड़ी चाहिए होगी ना, वो हथौड़ी फॉर मी इज कैपिटल, क्योंकि दैट इज मेकिंग माई वर्क इजी। अब मैं ऐसा तो है नहीं कील को पकड़ू और उसके ऊपर अपना हाथ मारती जाऊं जिससे वो अंदर चला जाए, नहीं जा सकता, मेरे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे और शायद काम हो भी नहीं पाए। तो काम को इजी करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट। चाय बनानी है, चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं गैस के ऊपर अपने हाथ नहीं रख सकती, मुझे कुछ ना कुछ उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए, दैट इज कैपिटल, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ऑफ अ पर्सन टू टेक रिस्क। अगर कोई रिस्क लेने को रेडी नहीं है तो सॉरी, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अगर आप रिस्क लेते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। सी, लेबरर में से ही कोई, मतलब इंसानों में से ही, लैंड इंसान नहीं है,
कैपिटल इंसान नहीं है। हाँ, कैपिटल में हम फर्दर डिवीजन करेंगे, बट ये दोनों इंसान नहीं है, लेबर इंसान है। तो एंटरप्रेन्योर इससे अलग कैसे हुआ? मैं एक लेबर हूँ क्योंकि मैं किसी के लिए काम करती हूँ और मुझे मेरी सैलरी चाहिए। रिस्क जो है वो खुद देखेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग भी मेरे से ज्यादा होगी। और जो रिस्क ले रहा है वो है एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो या तो रिस्क लेता है या कुछ हटके करता है, तो उसका रिवॉर्ड भी उसको डिफरेंट मिले। ठीक है, ये हुए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चाय बन के रेडी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर बैठे हैं हाउस होल्ड सेक्टर में से। इसी में से ये जो एंटरप्रेन्योर है वो निकल के अपना बिजनेस खोल लेता है, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स कहते हैं हमें कुछ खाना है, तो इसने बोला ओके मेरे पास कुछ लेके आओ, तभी मैं काम कर पाऊंगा, मैं भी तुम में से ही एक। कोई गया अपनी लैंड लेके, कोई लेबर, कोई कैपिटल, और कोई तो बिजनेसमैन ही बन गया, ठीक है। जब इन्होंने अपना कोई काम किया, फ्री में तो करना नहीं है, तो लैंड लेके गए हैं तो इनको मिला रेंट। लेबर लेके गए हो तो तुम्हें मिलेंगे वेजेस। इसको बाद में जैसे हम एक नया टॉपिक जब पढ़ेंगे नेशनल इनकम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है, एंड आई गारंटी कि अगर तुम नेशनल इनकम मेरे से पढ़ोगे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें हम इसको इलेबोरेट करेंगे इन सारे टर्म्स को। लेबर के अंदर वेजेस, कैपिटल, कैपिटल का मतलब तुम किन चीजों से ले रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता है, पेमेंट तो करोगे। अब कैपिटल में क्या आता है, जैसे मशीनें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इतनी चीजें एक प्रोड्यूसर अकेला एक ही टाइम पे करके नहीं बना सकता, तो उसको किश्तों में उसे लेना पड़ता है। तो जब वो किश्तों में लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। सी, चीज तो उसको मिल गई, चीज का तो प्राइस उसने दिया, एक रियल फ्लो दिया और एक तरफ उसको मनी फ्लो देना पड़ा, मतलब उसको मशीन आई और दूसरी तरफ से उसने उसकी पेमेंट कर दी। बट साथ में उसने उसकी पेमेंट कुछ टाइम रुक के करी, तो वो कैपिटल के ऑनर को क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक जो बंदा रिस्क लेके ये सारा एम्पायर खड़ा कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये हुआ, ये हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रोल है, पहले तो मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर, ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों को 2 सेक्टर्स के बारे में पता लगा, जिसके बीच में मैंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर फ्लो, 2 सेक्टर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसमें ये 2 पार्ट्स में चलता है, एक होता है विदाउट सेविंग और एक होता है विद सेविंग। कभी भी इकोनॉमिक्स आपकी और मेरी बातों जैसे नहीं चलती, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस माननी पड़ती है। एजम्पशंस का मतलब क्या है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, हर लेक्चर के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीजें, लिंक्स जो है वो मिलते रहेंगे, और रिमेम्बर इकोनॉमिक्स में हर चीज जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अजम्पशंस का मैं रोल बता रही थी आपको, क्योंकि मुझे हर टॉपिक के अंदर अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। ये अजम्पशंस क्या है, प्री कंडीशंस, मतलब जैसे मैं कोई एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ तो मेरी स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ बातें, मैं साफ कह दूं कि अगर ये बात प्रूव होगी तभी मेरी बात मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं, सॉरी। ताकि जब कल को तुम मुझे गलत बोलने आओ तो मेरी अजम्पशंस मेरा डिफेंस करेंगी। तो यहाँ पे 2 चीजें चलेंगी, कभी भी कोई भी थ्योरी बनेगी इकोनॉमिक्स में तो उसमें 2 चीजों का रोल रहेगा, 1 इज अजम्पशंस, दूसरा क्रिटिसिज्म। मेरी कही हुई बातों में मेरी पूरी थ्योरी सही रहेगी। जैसे तुमने बोला, अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के लिए फोन्स मैंडेटरी हो गए हैं। कोई एक टाइम था जब पेरेंट्स जो है वो क्रिटिसाइज करते थे कि बच्चों को फोन नहीं यूज करना चाहिए। एज अ टीचर हम भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को फोन यूज नहीं करना चाहिए, बट ये टाइम डिफरेंट चल रहा है। लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, स्कूल्स कॉलेज बंद है, तो बच्चा पढ़ेगा तो सही। तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसपे बच्चा फोन पे पढ़ रहा है। अब तुम बोलो कि बच्चा फोन लेके बैठा रहता है पूरा पूरा दिन, हो सकता है 7-8 घंटे वो फोन को यूज कर रहा है। अब बच्चा ये कहता है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, उसकी अजम्पशंस कुछ और हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि फोन वो मिसयूज कर रहा है। अब पेरेंट्स की अजम्पशंस कुछ और हैं, गलत दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं। जो उसको गलत बोलता है उसकी अपनी अलग थ्योरी है, और जो गलत बोलता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिक्स, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं एक वो करूंगी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसकी अजम्पशन जरूर इम्पोर्टेंट बनेंगी, क्योंकि बिना अजम्पशन के वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू सेक्टर फ्लो पढ़ रहे हैं। पहले विदाउट सेविंग्स, मतलब यहाँ पे मेरी अजम्पशन ये है कि ये जो दोनों सेक्टर काम करेंगे ये कहीं पे कुछ भी सेव नहीं कर रहे। ओके, मतलब जो कमाया वो खा लिया। ठीक है, जो पहले होता था कि कोई इनको जरूरत नहीं है कि हमने कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, आज कमाया आज खाया बात खत्म। ओके, तो अभी मैंने बताया था हाउसहोल्ड सेक्टर चार फैक्टर का ऑनर है, तो उसने क्या किया, अपनी खाने को मांगा, तो ये बिजनेस वाला कहता चल ठीक है जाके कुछ ना कुछ पहले मुझे दे, फिर मैं देखूंगा मैं तुझे वो चीज दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो ये अपने फैक्टर्स लेके इनके पास चले गए। फैक्टर्स हुए चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो लेके इनके पास गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं ये कैसा फ्लो है, क्या ये रियल फ्लो है या ये मनी फ्लो है। ओके, फिर उसके बाद इस बिजनेस सेक्टर ने फ्री में तो चीजें ली नहीं है, तो इसने क्या किया, इसको पेमेंट कर, फैक्टर पेमेंट, ये भी बताना कौन सा फ्लो है। ओके, तो एक तरफ आई फैक्टर सर्विसेज, इसने कर दी इसको फैक्टर पेमेंट। अब देखो मार्केट के अंदर हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स जो है बार्टर एक्सचेंज पे नहीं चलती है, ये किस पे चलती है, पैसे के एक्सचेंज पे चलती है। तो ये जब खाना चाहते थे इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनके पास पैसे, इसने बोला पैसे लेके आना मेरे पास, एट द सेम टाइम उसके पास चीज भी नहीं थी, तो उसने बोला पहले मेरे लिए चीज बनाओ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तुम आके वही चीज मेरे से खरीद के ले जाना। ओके, तो हुआ क्या, इन्होंने जब अपने, इनके पास जो था फैक्टर्स वो इसको दे दिए, इनके पास चीजें बनके अब रेडी हो गई, तो अब इन्होंने इसको पेमेंट कर दी। अब इनके पास पैसा है, मैं एक बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ, इनके पास अब पैसा है और इनके पास अब चीजें हैं, तो फ्लोज एक्सचेंज हो चुके हैं। बताना जरूर कि कौन कौन सा फ्लो कौन सा है। तो एक तरफ फैक्टर पेमेंट आ गया, एक तरफ फैक्टर सर्विसेज आ गया। अब इनको खाना था, इनके पास चीजें पड़ी हैं, अब क्या होगा, ये कंजम्पशन करेंगे चीजों की, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजें बना के आए होंगे कई तरह से। हमारी इकोनॉमी देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं, कई तरह की फर्म्स हैं, कई तरह की लेबर है, कई तरह के स्कूल्स हैं, कई तरह के कॉलेजेस हैं, तो वो सब चल रहे हैं, तो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये करने जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसा लेके चले गए। तो इन्होंने क्या किया, डिलीवरी करवा दी, इनको डिलीवरी करवा दी गुड्स एंड सर्विसेज की, कोई सेविंग नहीं हुई, कोई, हमने मान के चल रहे हैं इन्होंने इनकी हेल्प करी क्योंकि सेविंग्स नहीं हुई है, तो बैंकिंग सेक्टर कोई हम कहेंगे फाइनेंशियल सेक्टर हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब बी मैं करूंगी, इसमें ऐड कर रही हूँ, ये था ए पार्ट, अब मैं इसी में चेंज कर दूंगी और इसे मैं करूंगी विद सेविंग्स। रिमेम्बर जो दो सेक्टर्स के फ्लो है आपस में वो कभी चेंज नहीं होंगे, हाँ बीच में से। अब ये सेक्टर ने क्या किया, जो कमाया वो सारा खाया नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जोड़ने गए एक तीसरे सेक्टर में जो कि इन्हीं का पार्ट है, तो ये तीसरा सेक्टर नहीं है, वो इन्हीं के बीच में से एक बनाया गया फाइनेंशियल सेक्टर। या जिसे आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में बैंकिंग सेक्टर, या इसे कैपिटल सेक्टर भी बोलते हैं। जब कोई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना चाहता है या कम खाना चाहता है तो उसे बैंकिंग की हेल्प चाहिए होगी। जब वो कम खाना चाहता है तो उसे अपनी कमाई हुई इनकम में से कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो वो सेविंग्स करेगा यहाँ पे। और अगर कोई अपनी कमाई से ज्यादा खाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए होगा, लोन चाहिए होगा, तो ये इससे लोन्स भी ले सकते। अगर जितना मैं किसी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उतना ही खाऊं, तो पहला विदाउट सेविंग वाला बनेगा, मतलब जो कमाया वो खा लिया, ना जोड़ा ना कुछ किया, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम किया। बट हर कोई ऐसा नहीं होता,
कोई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाता है तो कोई अपनी कैपेसिटी से कम खाता है, एग्जैक्टली वैसे बिजनेस को काम करना पड़ता है। तो बिजनेस को हमेशा ये नहीं है कि मुझे लगता है मेरी चीजों की डिमांड मार्केट में 100 की रहेगी तो मैं 100 चीजों की ही प्रोडक्शन करूंगी, नहीं, मुझे उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। और क्योंकि मुझे खाने से पहले बनाना पड़ता है और सारे फैक्टर्स को, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो उनको पहले सारी वो देनी पड़ती है, उनकी सर्विसेज की पेमेंट करनी पड़ती है, तो मुझे कई बार बल्क में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे लोन उठाना पड़ता है। तो ये जो बिजनेस सेक्टर सेविंग्स नहीं करेंगे, वो हमेशा जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे अजम्पशन है, ये याद रखना। एक बिजनेस वाले का काम है इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो बिजनेस एम्पायर खड़े नहीं हो सकते। सेविंग्स करते हैं हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर वाले, और मैंने आगे भी बताया ये जस्ट इनके रोल्स चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है टाटाज जो अंबानीज, मैं बार बार इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि ये अच्छे बिजनेस एम्पायर हैं, ये सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, खाना खाते ही हैं, भूखे रहते हैं, इतने इतने देर से इन्होंने वो संन्यास ले रखा है, नहीं। जब ये कंजम्पशन करते हैं, जब ये कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं, और जब ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं तब ये बिजनेस सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं। तो अगर ये सेविंग्स कर रहे हैं तो ये हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट बनेंगे, तो ये बंदा यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेगा, इसने सेविंग्स करी, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वही बिजनेस सेक्टर जो है लोन के रूप में लेगा। ऐसे ही थोड़ी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो बैंकों का पैसा लेके चले जाते हैं और हमें लगता है वो तो बैंक का पैसा लेके गए, वो हम में से ही लोगों का पैसा लेके भागे हुए। सो ये था टू सेक्टर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी विद सेविंग्स एंड विदाउट सेविंग्स। अब यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करूं, ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और CBSE है उनके अंदर ये विद सेविंग्स तक का, विदाउट सेविंग्स तक का रहता है टू सेक्टर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी सिलेबस में, और जो हायर लेवल्स है उनके अंदर थ्री सेक्टर फ्लो भी आता है और फोर सेक्टर फ्लो भी आता है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। मतलब टू सेक्टर के आगे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी, वो उसके लिए थ्री एंड फोर के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं दोनों में कंबाइन करके बनाऊंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, थैंक यू सो मच। And if you have any query, you can ask in the comments or you can also write us an email provided in the description box. Thank you so much.